2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण साहू जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से बाहर निकाला, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने देशभर के कई राज्यों के संगठन को बढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे यहां के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, यहीं की नेत्री और सांसद बहन सरोज पांडे जी, श्री विजय बघेल जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री मोहन मंडारी जी, श्री प्रेम कुमार पांडे जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आप सभी को, आज यहां पर बोलने भी लोग हो या नहीं बोलने लोग हो, शांति रखो। आज यहां पर मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दूर जिले में एक स्टील नगरी में आया हूं। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां से लोग यहां पर नहीं बसते, और आज एक प्रकार से भिलाई में जो जनसागर उमड़ा है, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माताओं भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ में आया हूं, ये प्रभु श्री राम का नैनिहाल है, और प्रभु श्री राम के गमन का रास्ता भी यहां पर है। मैं सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत की। भाइयों बहनों, 2014 में छत्तीसगढ़ में 10 में से 11 सीटें दी और 19 में भी 11 सीटें देने का काम इस छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है, और आपके आशीर्वाद से मोदी जी दो बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताओ भाई, 23 में यहां विधानसभा का चुनाव है,
मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, जोर से बोलो किस पार्टी की सरकार बनेगी। और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अरे जोर से बोलो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे साथ बोलो भारत माता की। मित्रों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घबरे घोटाले भ्रष्टाचार ढेर सारे घोटाले बाहर, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, मोदी जी ने पारदर्शी सरकार। जब ये लोग शासन करते थे आए भी देश में आतंकवादी घटनाएं होती, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, और मनमोहन सरकार उफ नहीं करती। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को आदत लग गई थी, उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की, पूरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने। माताओं भाइयों बहनों, मुझे सभी लोग बताओ ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है, अरे जोर से अंत तक बोलो है या नहीं है। 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी। कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला सहला कर संभाला। मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 को समाप्त, और जब 370 हटी तो कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैं ही बिल लेकर गया था, मैंने कहा क्यों न हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। राहुल बाबा, 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारत छोड़ों के 9 साल, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल, और मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में नल से जल,
गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं और स्वास्थ्य की ऑपरेशन तक की सुविधाएं और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ दूर वाले, आप सभी का कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे नहीं हाथ ऊपर कर बताओ लगा है ना? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी मित्रों, ये राम का नन्हियाल है। मुझे बताओ, प्रभु श्री राम का मंदिर कश्मीर में, अरे अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से बाबर ने जब से तोड़ा, कांग्रेस राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और युवाओं, टिकट तैयार रखना, जनवरी में राम मंदिर का अंदर रामलला के दर्शन। 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभालने के लिए प्रभु श्री राम का अन्याय करने का काम एक कांग्रेस सरकार ने किया, और नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम को सम्मान के साथ उसी स्थान पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर स्थापित कर सम्मान के साथ बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अभी G7 में मोदी जी गए थे, आज भी अमेरिका में उनके कार्यक्रम चल ही रहे हैं। G7 में ढेर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, और अफ्रीका में तो किसी किसी ने मोदी जी के पैर भी छू लिए। और जहां जहां गए मोदी 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 के नारे लगते हैं। ये मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लगते हैं। ये मोदी मोदी के नारे छत्तीसगढ़ वालों, आपके सम्मान में और देश की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में। मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के सामने बढ़ाया। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन था, वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। आज मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी,
युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना का मिला है? जोर से बोलो मिला है? स्व सहायता जूतों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। और प्रदेश में 1,50,000 करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदूपत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदूपत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का पता है। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है, चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला 2,000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब आदमी योजना में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1,300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए, कोरोना सेस लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ इतने घोटाले करने वाली सरकार को फिर से चुनना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो चुनना चाहिए। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल गई है। आदिवासी इलाकों में हजारों बच्चे इलाज के अभाव में मारे गए, 13,000 से ज्यादा नवजात शिशु मारे गए, संरक्षित पंडित जनजाति के सैकड़ों लोग कुपोषण का शिकार बने, और इसके साथ साथ 1,000 किसानों ने आत्महत्या की है। बघेल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, 5,000 से ज्यादा बलात्कार इस छोटे से प्रदेश में हुए हैं। और मित्रों, इस चावल का यश ले रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है, और 74,000 करोड़ रुपया 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। और ये कह रहे हैं मैं चावल खरीदता हूं। मित्रों, मोदी जी ने 74,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। कितना भेजा है जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो किसान। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया? 12,600 करोड़ रुपया। मुझे बताओ भाई, 74,000 करोड़ ज्यादा है या 12,000 करोड़ रुपया? जोर से बोलो। तो तीसरे किसानों का चावल खरीदा नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 90% पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 92 लाख टन धान नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा है। और ये पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके आधार पर आप पूरा कुछ करते हो, ये पूरा धान खरीदी का सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है। तो रमन सिंह जी ने बनाया।
तो इस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अटल जी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ बनाया गया, और फिर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में बदलने का काम भी 15 साल तक हमारे रमन सिंह जी ने किया है, और आगे पर भी छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्र, कांग्रेस वाले बहुत ठोर पीते हैं। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कहने लगे 10 साल तक कितना रुपया भेजा, सिर्फ 74,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने भेजा, और 74,000 करोड़ रुपया की जगह नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया 9 साल में भेजा है, 9 साल। और सारा पैसा आज बघेल सरकार भ्रष्टाचार की भेंट बनाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 38 लाख किसानों को 38 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। जल जीवन मिशन में 24 लाख माताओं को पानी का कनेक्शन दिया। 1.8 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मुक्त कर दिया, और इसके साथ साथ 38 लाख बहनों को शौचालय बना कर दिया। 52 लाख परिवारों को मुफ्त में 5 किलो अनाज हर महीना भेज रहे हैं। 6 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया, और इसके साथ साथ IIT भिलाई में देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार। जहां तक दूध की बात है, 30 से अधिक पीएम जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली, 30,000 से ज्यादा लोगों को घर दिया, 2 लाख से ज्यादा लोगों को जल जीवन मिशन का कनेक्शन दिया, और 90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं पूरे देश भर में दौरा कर रहा हूं, ये 17वां राज्य है मेरा। जहां जहां जाता हूं मैं हर जगह पूछता हूं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको भी पूछूंगा, जरा मीडिया से देश सुने ऐसे बताना, भैया बताओ 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जरा जोर से बोलो कौन बनेगा, जरा जोर से बोलो कौन बनेगा। 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, जोर से बोलो किसकी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे, हाथ उठाकर बनाओगे, कमर के निशान पर बटन दबाओगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुक्ति दीजिए, और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.
तो गृह